पुण्य का मतलब अच्छा कार्य करना है, बुरे कार्य का नाम पाप है। जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य है। पाप और पुण्य दो प्रकार के कर्म हैं। प्रारंभ में व्यक्ति का पाप का रास्ता छोड़ा जाता है और उसे पुण्य की ओर अग्रसर किया जाता है। मंदिर जाना पुण्य के प्रारंभ की स्थिति है। पाप से छुड़ाकर शुभ योग शुभ परिणामों के निमित्त से पुण्य का और अशुभ योग अशुभ परिणामों के निवेश से पाप का आश्रय होता है। यह बात गढ़नी आर्य का श्री स्वस्ति भूषण माता जी ने रविवार को नई सड़क स्थित चंपावाग धर्मशाला में प्रथम बार आयोजित अक्षय तृतीया पर भगवान आदिनाथ महामंडल विधान में धर्मसभा में व्यक्त की। गढ़नी आर्य का श्री ने कहा कि धर्म का मार्ग जीवन में शांति देता है। इंसान को धर्म के साथ शांति का जीवन मिल जाए तो इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं हो सकती। हम अपने जीवन में धर्म और पुण्य दोनों का समावेश आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इंसान इसका समावेश नहीं कर रहा है, जिसके कारण मनुष्य भटक रहा है और भटकते भटकते वह मनुष्य का जीवन पूरा कर लेगा। इसके बाद उसे पता नहीं अगले जन्म में कौन सा भव मिले। विचारों से ही संस्कारों की उत्पत्ति होती है। यही विचार हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी लगन भगवान के प्रति लगानी चाहिए, जिससे वह इसी जन्म में भव को पार कर सके। प्रवचनों से पहले कढ़िनी आर्यकसी स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों का पाद प्रचलन निर्मल साधना जैन एवं शास्त्र बेठ विजय प्रकाश जैन परिवार ने किए। विधान के प्रतिष्ठाचार्य राजरंजन मंगरौनी का अंग वस्त्रों सम्मान चंपावाग जैन मंदिर परिवार, महावीर जयंती समिति के मुख्य सचिव अनुराग जैन, बालचंद जैन, विनय कासलीवाल, पंकज बाखलीवाल, चक्रेश जैन, मुकेश जैन, प्रमोद टोंगिया, पंकज छावड़ा, धर्म बरैया, कमलेश बिलाला, डॉक्टर जितेंद्र जैन ने किया। संचालन विनय कासलीवाल ने किया। ज्ञान नेत्र प्राप्त है। देखो ज्ञान नेत्र आरंभ हो तो धनी कमंद पेछ कमंद पेछ धारणी मोक्ष पंथ दायिनी जानपुर सनातन माता जी ने लिखा है। ओम मैं ऐसे नहीं अरे तुझे अरे पति Thank you.